मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बिहार जो है आगे बढ़ेगा, बिहार के किसान आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने वादा किया था, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। आप एक एक काम देख लीजिए, लगातार लाखों में जो है नौकरियां निकाली जा रही हैं। तो जरूरत है लोगों की, क्योंकि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी जो है दुश्मन है, हम लोग का मानना है। जरूर बिहार के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की के रास्ते पर लाएंगे। और ये केवल रोड मैप जो कृषि रोड मैप ही नहीं, बल्कि ये खुशहाली का रोड मैप है, उन्नति का रोड मैप है, विकास का रोड मैप है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आडलेकर जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, सभी यहां बैठे मंत्रीगण अधिकारीगण, दूर दराज से बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले आज के कृषि रोडमैप की जो शुभारंभ जो की गई है माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा, उनको सबसे पहले हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और बिहार जो कि ज्ञान मोक्ष और क्रांति की धरती है, उनका तहे दिल से कोटि कोटि हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल जी का भी समय देने के लिए इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए बिहार के किसानों के लिए ये रोडमैप शुरुआत की थी, और आज चौथा रोडमैप जो है ये शुरुआत हुआ है। और रोडमैप के तहत आप देख सकते हैं, अभी डॉक्यूमेंट्री मूवी में भी दिखाया गया कि लगातार जो है बिहार में उत्पादन जो है किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। चावल हो, मक्का हो, सब्जियां हो, फल हो, लगातार जो है इसके तहत जो है किसानों को फायदा मिलता रहा है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है कृषि पर निर्भर करता है, और खास तौर पे जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि जो है वो रीढ़ है। तो उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बिहार जो है आगे बढ़ेगा, बिहार के किसान आगे बढ़ेंगे। और ज्यादा कुछ समय ना लेते हुए एक बात जरूर कहेंगे कि इनके नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, हम सब लोग मिलकर के जनता के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और लगातार बिहार जो है, आप अगर जीडीपी में देखिएगा तो पूरे देश भर के 3 अव्वल राज्यों में बिहार की गिनती जो है होने लगी है। और इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो बिहार जो है अव्वल नंबर पर है। तो लगातार चौमुखी विकास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार कर रही है, और जो भी हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोगों ने वादा किया था, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। आप एक एक काम देख लीजिए, अगर रोजगार के क्षेत्र में अगर बात की जाए, नौकरी के क्षेत्र में अगर बात की जाए, तो बिहार दूसरा राज्य, कहीं भी आप नाम दे दीजिए, दूसरा राज का नाम ही नहीं आएगा जहां बिहार जो है सबसे ज्यादा तादाद में, लाखों के संख्या में जो है सरकारी नौकरियां जो है देने का काम कर रही है।
और इतनी बड़ी संख्या में दूसरे राज्य बहुत पीछे छूटे हुए हैं, तो जो जरूरत है लोगों की, क्योंकि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी जो है दुश्मन है, हम लोग का मानना है। इसके तहत हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कैबिनेट ने पास किया, चाहे विकास मित्र हो, सेवा टोलक हो, तालमी मरकज हो, सभी लोगों का जो मानदेय, जो हम लोगों का कमिटमेंट था, उसको भी हम लोगों ने जो है दुगुना करने का काम किया। साथ ही साथ कृषि मंत्री जी ने बताया, हम लोगों का कमिटमेंट था जाति आधारित गणना कराने का, उसको भी जो है, बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसकी आबादी की साइंटिफिक आंकड़े हमारे पास हैं, और 31 के बाद पहला ऐसा राज्य है जिसने, किसी राज्य ने नहीं कराया, वो बिहार ने कराने का काम किया, नीतीश जी के नेतृत्व में कराने का काम किया। तो इसलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी का दिल से आभार करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय जो है इसके लिए दिया है, और राज्यपाल जी का भी धन्यवाद करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। सभी अधिकारी, लगभग 12 डिपार्टमेंट के लोग जो इस काम में लगे थे कृषि रोड मैप में, तो उन सभी अधिकारी डिपार्टमेंट के लोगों को, मंत्रियों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं कि हम लोग जरूर बिहार के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की के रास्ते पर लाएंगे, और ये केवल रोड मैप जो कृषि रोड मैप ही नहीं, बल्कि ये खुशहाली का रोड मैप है, उन्नति का रोड मैप है, विकास का रोड मैप है। तो इसके लिए हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।